हाय गाइस, मैं हूँ मिस्टर आइडिया। तो क्या आप लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आप लोगों से नहीं हो पा रही डिलीट परमानेंटली गूगल और जीमेल अकाउंट? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो गूगल और जीमेल अकाउंट को। तो स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम इन TTIT चैनल। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने जीमेल अकाउंट की तरफ। तो जो मैं आप तरीका यूज करने वाला हूँ वो आप सिंपली मोबाइल में भी यूज करके आप डिलीट कर सकते हो जीमेल अकाउंट को। मैं आपको पीसी पर करके दिखा रहा हूँ, सिंपली आप ये यूज कर सकते हो तरीका मोबाइल पर भी। तो अब आपने सिंपली जीमेल अकाउंट पर जाना है और यहाँ पे आपको एक लोगो नजर आएगा अपना, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे काफी सारे। आपने सिंपली डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिलीट अ सर्विस और योर अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ लिखा हुआ है डिलीट अ गूगल सर्विस और डिलीट योर गूगल अकाउंट। हमने करना है डिलीट गूगल अकाउंट। तो डिलीट अ गूगल सर्विस क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आपको इस गूगल अकाउंट से रिलेटेड जीमेल, यूट्यूब या कोई और आप इसका अकाउंट डिलीट करना है लेकिन गूगल अकाउंट नहीं डिलीट करना, तो वो कैसे करते हैं, तो वो इसके जरिए आप कर सकते हो यहाँ पर जाके। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो अभी हमने ये करना है कि डिलीट योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं अभी हमने करना है डिलीट योर गूगल अकाउंट पे क्लिक। तो यहाँ जो आ रहा है हमने क्लिक कर दिया। अब आपने दोबारा साइन इन होना है, पासवर्ड डालना है एंड देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि डाउनलोड योर डाटा, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो डाटा जो भी आपके जीमेल में है। और यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होंगे इस गूगल अकाउंट से वो भी सारे यहाँ दिखा देगा, उन सब का आप डाउनलोड कर सकते हो डाटा इस पर क्लिक करके। तो मेरा तो कोई डाटा नहीं है अभी। तो अब आपने सिंपली उसके बाद आपने जब डाउनलोड कर ले डाटा तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आप ना डाउनलोड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सिंपली आपने इन दोनों को चेक मार्क करना है। उसके बाद डिलीट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अकाउंट हो गया डिलीट आपका सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बोल रहे हैं साथ साथ, देख सकते हैं आप लोग, योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा हैव बीन डिलीटेड। लेकिन ये बोला जा रहा है कि इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट योर गूगल अकाउंट यू हैव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई रिकवर इट। आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप रिकवर कर सकते हो अगर आपका अकाउंट गूगल गलती से एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है, वो आप इस पर क्लिक करके रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपका डिलीट हो गया है गूगल अकाउंट। तो आप लोगों को किस तरीके की वीडियो लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को किसी तरीके का भी क्वेश्चन है तब भी कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फायदा हासिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।